ओम्स लॉ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, हम उसकी तरफ अग्रसर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये जो करंट है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए? होना चाहिए। इट्स वेरी नेचुरल कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मतलब फ्लो ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का फ्लो ज्यादा हो रहा है, और चार्ज का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो करंट भी ज्यादा होना चाहिए। अब हम आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो जो करंट होता है, करंट कैन बी रिटन एज क्यू डिवाइड बाई टी। क्या मतलब होता है इसका, हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हम यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें जो कि से ए होगा, तो इससे चार्ज क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, तो चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो टी टाइम में जितना चार्ज क्रॉस हो जाएगा वो क्यू है, वो क्यू मुझे यहां पे लिखना है। तो वो क्यू देखे हम कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टाइम टी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम। तो टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स इतने डिस्टेंस मूव करेंगे। अब आप ये डिस्टेंस कंसिडर करें, दिस डिस्टेंस इज वी डी इंटू टी। अब मेरा ये कहना है कि इतने रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टी टाइम में इसको क्रॉस कर जाएंगे, इतने रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टी टाइम में क्रॉस कर जाएंगे, और इसके इधर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो जो क्यू है उसको हम कैसे निकालेंगे, क्यू जो है वो इस रीजन में इतने वॉल्यूम में जो चार्ज है वही क्यू है, क्योंकि वही टी टाइम में क्रॉस करके इधर आने वाला है। तो ये क्यू कैसे निकालेंगे हम, तो क्यू ऐसे निकालेंगे, पहले तो इस रीजन का वॉल्यूम लिखें, दैट विल बी ए इंटू वी डी इंटू टी, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम, इसको हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया कि इतने रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कितना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो चार्ज होगा दिस इंटू ई, तो दिस इज ए क्यू इन दिस रीजन। तो जब मेरा करंट है, करंट वो कितना हो जाएगा, तो करंट इज क्यू बाई टी, सो दैट विल बी फ्रॉम हेयर एन ई ए वी डी लाइक दिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही बता रही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ज्यादा होने पे करंट जो है वो ज्यादा होगा, जैसे कि हम एनालाइज कर ही चुके हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है, एन ई ए अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था, म्यू इंटू ई लिखी जा सकती है, म्यू इंटू ई। अब यहां पे एन ई म्यू, ये तीनों को साथ में कर लें, ये तीनों एक्चुअली कॉन्स्टेंट से कर देखा जाता है, म्यू तो एक कॉन्स्टेंट होता है, ई इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो तो कभी चेंज होना नहीं है, एन जो है वो भी एक कॉन्स्टेंट है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी मटेरियल के लिए ये कॉन्स्टेंट होता है। अब इन तीनों कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके हम एक नया कॉन्स्टेंट लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा वेयर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी का नाम दिया गया, कंडक्टिविटी। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, नया फॉर्मूला आ गया करंट का, तो मीन्स करंट इज सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बता रहा है कि अगर ई ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा, ज्यादा। ये भी सही बात है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो सारा लोचा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ज्यादा स्पीड में मूव करेंगे और करंट भी ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज टेलिंग अस। यहां पे एक और टर्म डिफाइन करेंगे जे, दैट इज डिफाइंड एज आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया आई अपॉन ए। जे को बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो इस जे का फिजिकल मीनिंग क्या है, तो ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, करंट इधर फ्लो कर रहे हैं। जे का मतलब है
करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, तो हमने यूनिट एरिया अगर ले लिया, यूनिट एरिया, तो उससे कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, कुछ करंट, वो जो करंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं जी, यूनिट एरिया से फ्लो करने वाला करंट। अब देख सकते हैं कि अगर वो आई अपॉन ए है तो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम इसको लिखते हैं एन ई इंटू वी डी, और इस फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू लाइक दिस। ओके, सो वही सिचुएशन है हमारे पास फिर से, और यहां पे हम क्या करें, ये कंडक्टर का लेंथ एल कंसिडर कर रहे हैं, लेंथ एल, तो क्या इस ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनफैक्ट अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा, इधर बी से, बी से तो मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, तो पोटेंशियल का क्या हो रहा है, कम हो रहा है पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, कम। बट एनीवेज ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज उसका मैग्नीट्यूड ई इंटू एल यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तुमने ई को यहां कॉन्स्टेंट माना है, कॉन्स्टेंट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो अब देखें जो करंट हमने ड्राइव किया है दैट इज सिग्मा ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखता हूं मैं डेल्टा वी डिवाइड बाय एल इस तरीके से। अब यहां पे ये जो सिग्मा है उसको हम लिखेंगे वन अपॉन रो, वेयर रो इज डेफिनेटली अनदर कांस्टेंट दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा, और इसका नाम होता है रेसिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा वी डिवाइड बाई रो एल अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये जो क्वांटिटी है ये आपने देखी होगी, अब तो आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लिखते हैं आर, वे आर इज रो एल अपॉन ए एंड आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फ्रॉम हेयर वील गेट, यहां से हमारे पास आ जाता है आई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, विच इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये इक्वेशन करंट की सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा फिलोसफिकल वे में भी एनालाइज कर सकते हैं। ये जो डेल्टा वी है वो तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है वो, और ये जो आर है ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्यों? क्योंकि आप आर की वैल्यू ही देखो ना, दैट इज रो एल अपॉन ए, तो रो जो है वो मैट्रिक कॉन्स्टेंट है जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, L जो है वो उसकी लेंथ है मटेरियल की, कंडक्टर की, A जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो R है दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो इक्वेशन है अब I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R, ये देखा जाए तो एक इक्वेशन ही अपने आप में बहुत बड़ी फिजिक्स है। कैसे? तो आप देखें इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, बात तो हालांकि कर ही चुके हैं उसकी, बट एक बार रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट को फ्लो कराना चाहते हैं, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो रास्ते में कोलाइड करते जाते हैं, कोलाइड, जिनके कारण फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, करंट कम होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट को फ्लो करवाना चाह रहे हैं, और जो सब्सटेंस है वो कोलिजन करा करा के, कोलिजन करा करा के करंट को कम करना चाह रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना चाह रहा है, करंट फ्लो कराना चाह रहा है, लेकिन सब्सटेंस कोलिजन करा करा के करंट को कम करना चाह रहा है। ये इक्वेशन उस पूरे मैकेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करके हमें बताती है। अब देखें ये जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू फ्लो करंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो वी भी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जितनी ज्यादा होगी मतलब करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, और ये जो आर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग पावर ऑफ मटेरियल टू स्टॉप करंट बाय कोलिजन। तो जो मटेरियल है वो कोलिजन के कारण करंट को रोकना चाह रहा है, ये उसके पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हैं ये जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा
करंट उतना ही कम होगा। तो ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है करंट फ्लो को। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एफर्ट करंट को आगे फ्लो कराने का, रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और दूसरा मटेरियल का कोलिजन करा करा के करंट को रोकने की कोशिश, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव किया, आप देखिए उनको, ये समरी टाइप का हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ लेट्स डू दिस एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है कि एक कंडक्टर है, अभी तक जो हम कंडक्टर देख रहे थे वो सिलेंड्रिकल था, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे हम इधर जा रहे हैं, जैसे इधर जा रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लास्ट केसेस जो हम देख रहे थे उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉन्स्टेंट था, वो सिलेंड्रिकल था, ये फ्रस्टम टाइप है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें आंसर करने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आईपी और आईक्यू, मतलब यहां से जो करंट पास कर रहा है दैट इज बीइंग कॉल्ड आईपी, और यहां से जो करंट पास कर रहा है दैट इज बीइंग कॉल्ड आईक्यू। तो हमें बताना है आईपी और आईक्यू दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है। व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज, कि दोनों ही बराबर है। क्यों दोनों ही बराबर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो कर रहे हैं, इधर इधर मूव कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इससे क्रॉस कर रहे होंगे वही तो आगे जाके इससे क्रॉस करेंगे, तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो इससे क्रॉस कर रहे हैं वही मूव करते 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 यहां तक पहुंचेंगे और फिर इससे क्रॉस करेंगे, यानी दोनों से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं, इसे दोनों में करंट भी क्या होगा, सेम। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है जेपी एंड जेक्यू, इनमें से कौन बड़ा है, जेपी एंड जेक्यू। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ये तो बेसिकली जे जो होता है दैट इज आई अपॉन ए, तो आई तो सेम है दोनों जगह पे, तो पी, पी का एरिया, पी का एरिया ज्यादा है, तो करंट डेंसिटी क्या होगी, कम, लाइक दिस। थर्ड में आपको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि पी पॉइंट पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है या क्यू पॉइंट पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, आई इक्वल्स टू एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई जो है वो तो सेम है दोनों ही जगह पे, पी पे, पी पे ए इज ग्रेटर, इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी लेसर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी लेसर, लाइक दिस। फोर्थली आप ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है, पी पे और क्यू पे से कहां पे ज्यादा है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करें, I इक्वल्स टू सिग्मा ए ई, तो I तो हर जगह सेम है, A P पे, P पे A ज्यादा है तो क्योंकि I सेम है तो A ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना पड़ेगा, कम, इट मीन्स P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है। स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।